बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम अलैकुम, वेलकम टू सालार खान यूट्यूब चैनल। वेयर टुडे वी डिस्कस द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर क्या है जी? डायमेंशन है। अगेन सबसे आसान टॉपिक है, लेकिन थोड़ा सा एमसीक्यू और एंट्री टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रा सा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है जी, तो सबसे पहले मैं हेडिंग दूंगा जी किस चीज़ की, टॉपिक ऑफ द डे की, ऑफकोर्स डायमेंशंस। तो मैं पहले तो ज़रा बुक से कुछ डेफिनेशंस लिखता हूँ, बुक से नहीं, मल्टीपल बुक से, तो फिर मैं बाद में आपको समझाता हूँ। सबसे पहले आप ज़रा मेरे साथ ये डेफिनेशन लिखे, ठीक है? द पावर, और ये पावर पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। पावर रेज्ड टू बेस क्वांटिटी, टू बेस यूनिट्स या बेस क्वांटिटीज या यूनिट्स विच गिव्स अस द यूनिट्स या डिराइव्ड क्वांटिटीज। ठीक हो गया जी, ये एक डेफिनेशन है। दूसरे जरा मैं अगर लिखता हूं, द पावर रेज टू बेस क्वांटिटीज यूज्ड इन डिराइव्ड क्वांटिटीज, द पावर रेज टू बेस क्वांटिटीज यूज्ड इन एनी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो ये इसका एक ही मतलब है जी, द डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इज द पावर टू विच द बेस क्वांटिटी मस्ट बी रेज्ड इन ऑर्डर टू रिप्रेजेंट द डिराइव्ड क्वांटिटी। हाँ, ये जरा अच्छा डेफिनेशन मुझे लगता है। द पावर to which base quantity must be raised in order to represent any other quantity or derived quantity। चले अच्छा, उम्मीद है कि थोड़ी बहुत आपको समझ आ गई होगी। हम अभी इसको समझते हैं, ये सिर्फ लिख ले, अभी समझते हैं इसको। यानी कि आपको जो है गिवन है बेस क्वांटिटीज, तो आपको पता है ना कितनी है, आपको पता है, वो तो आपको पता है ना जी। तो जरा अगर मैं, चले अभी वो नहीं लिखता, या चले लिख के, एक है जी मास है, फिर क्या है टाइम है, फिर लेंथ है, मास लेंथ टाइम टेम्परेचर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लुमिनस इंटेंसिटी, कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, कौन सा वाला रह गया, कैंडेला हो गया, मोल हो गया, एम्पेयर करंट रह गया। अच्छा, ये बेस क्वांटिटीज है, तो यानी आपके पता है कि जो सारे बाकी क्वांटिटीज है वो इनसे मिलकर बने हैं, किसी ना किसी कॉम्बिनेशन से बने हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं स्पीड की बात करता हूं, तो क्या वो चेंज ऑफ डिस्टेंस डिवाइडेड बाय द चेंज ऑफ टाइम नहीं है? तो क्या इसका मतलब ये नहीं है कि ये इन दो बेस क्वांटिटी से बना है, टाइम और लेंथ से बना है कि नहीं बना? बिल्कुल बना है। तो मैं अच्छा, एक और एक्सेलरेशन जो है वो चेंज ऑफ वेलोसिटी है टू द चेंज ऑफ टाइम, जो कि अगेन जो है तो चेंज ऑफ डिस्टेंस ओवर टी स्क्वायर्ड में लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? तो क्या अगेन ये लेंथ और टाइम से बना है कि नहीं बना? बिल्कुल बना है। लेकिन अब लेंथ और टाइम के किन कॉम्बिनेशन से कौन सा फिजिकल क्वांटिटी बना है वो मालूम करने के लिए हम डायमेंशनल एनालिसिस करते हैं, और उस कॉम्बिनेशन को हम डायमेंशन कहते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला कहते हैं। अब एक कंफ्यूजिंग पॉइंट मैं आपको फिर समझाऊंगा। यानी इधर अगर आप देखें तो इसमें लेंथ की एक पावर यूज हुई है और टाइम की एक पावर यूज हुई है, लेकिन अगर इधर आप देखें तो लेंथ की एक पावर है और टी की दो पावर है, तो ये डिफ्रेंशिएट करता है इस वेलोसिटी और इस एक्सेलरेशन में, और इसको कहते हैं डायमेंशन। ठीक है, तो इन बेस क्वांटिटीज को हम अपने डायमेंशंस दे देते हैं जी, और वो क्या होते हैं, मास को हम कहते हैं ये कैपिटल एम होगा, टाइम के लिए हम लिखते हैं कैपिटल टी इसका डायमेंशन होगा, लेंथ के लिए कैपिटल एल इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होगा, टेम्परेचर के लिए हम ये दोनों क्या इस्तेमाल किए हैं अपनी बुक ने, मेरे ख्याल में थीटा इस्तेमाल किया है, ठीक है, थीटा इस्तेमाल किया हुआ है, या फिर आप इसके लिए केल्विन का के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए मोल होगा, इसके लिए इन्होंने इस्तेमाल किया हुआ एन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए एन है,
और फिर क्या है जी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए इन्होंने जे इस्तेमाल किया हुआ है और करंट के लिए इन्होंने ए इस्तेमाल किया हुआ है। तो यानी ये एक बेस क्वांटिटीज के डायमेंशनल फॉर्मूलाज है। इसका मतलब ये हुआ कि लेंथ क्या है, वो लेंथ एक डिस्टेंस है, चाहे वो एक मीटर का डिस्टेंस है, चाहे वो 1000 किलोमीटर का डिस्टेंस है, चाहे वो एक एटम के रेडियस है, वो फिर भी एक डिस्टेंस है। सिमिलरली मास है जी, तो क्या मेरा मास है, खा वो इस मार्कर का मास है, खा वो इस अर्थ का मास है, लेकिन वो है एक मास और इसको कहते हैं डायमेंशन। ये हमें बता रहा है उसके नेचर के बारे में। डायमेंशन टेल्स अबाउट द नेचर ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, टेल्स अबाउट नेचर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। सिमिलरली टाइम है जी, तो कितना टाइम, वो एक घंटा भी हो सकता है, एक ईयर भी हो सकता है, एक लाइट ईयर भी हो सकता है, वन डे भी हो सकता है, वन वाइब्रेशन ऑफ अ पेंडुलम भी हो सकता है, जो भी हो वो किसी दौरानिये का बता रहा है, वो कोई टाइम है और इसको कहते हैं नेचर, यानी वो है तो टाइम ही है और इसको कहते हैं जी डायमेंशन। देखो गए जी, तो अब देखिए वेलोसिटीज का एल और टी से बना हुआ है। तो अब किसी भी चीज का डायमेंशनल फॉर्मूला किस तरह लिख सकते हैं, ये अब हमें इसका क्वालिटी बता रहा है, यानी नेचर, यानी इसकी क्वालिटेटिव नेचर बता रहा है। टेल्स अबाउट द नेचर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, इसका मतलब क्वालिटेटिव नेचर, ठीक है जी, क्वालिटी के बारे में। अगर आप कहते हैं 5 मीटर, आप लिखते हैं 5 मीटर, इसका मतलब क्या हो, ये आपको क्वांटिटेटिव नेचर के बारे में बता रहा है। और इधर डायमेंशन में हम क्वांटिटेटिव की परवाह नहीं करते, चाहे वो 5 मीटर है, 10 मीटर है, 1000 मीटर है, वो है मीटर ही, यानी वो एक लेंथ को ही हमें शो कर रहा है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अभी मैं आपको सिखाता हूं थोड़ा सा, डेफिनेशन के ऊपर मैं भी नहीं आया, ठीक है। हाँ, तो अभी अगर वेलोसिटी की आप बात करें, तो आप अगर वेलोसिटी की डायमेंशन लिखते हैं, डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी या डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी, तो आप इसको डायमेंशन ऑफ वी इस तरह लिखेंगे, या इसको आपने स्क्वायर ब्रैकेट्स में बंद कर देना होता है। और पहले आप इसका लिख के यूनिट लिख के जरा, या एस डिवाइड बाई टी है, मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। तो आपको जो भी आता है मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब मीटर ऊपर है, ठीक है, और सेकेंड जो है वो नीचे है, तो सेकेंड ऊपर जाएगा तो एस टू द पावर माइनस वन हो जाएगा। अब क्या होगा, मीटर के लिए डायमेंशन एल है और सेकेंड के लिए टी है, तो इसका मतलब एल टी इनवर्स इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया, ठीक हो गया। सिमिलरली डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन क्या होगा, आप इसको स्क्वायर ब्रैकेट्स में बंद करें, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, या अगर आप फॉर्मूला से इस्तीफा करते हैं, चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम है, तो चेंज ऑफ डिस्टेंस पर यूनिट टाइम स्क्वायर हो जाएगा। आपने सबसे पहले इसको बेस में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है, बेस यूनिट्स में। अब देखिए अगेन ये वही आ जाएगा जी, मीटर और टू ऊपर जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये अगेन हो गया एल टी टू द पावर नेगेटिव टू, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया, ये एक्सेलरेशन का आ गया। अब मैं आपको बताता हूं, ये जो मैंने एल टी इनवर्स लिखा और एल टी टू द पावर माइनस टू लिखा, ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला है, ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला है। तो फिर ये डायमेंशन क्या होता है, अब देखिए बाज़ औक़ात आप इसको एक साथ लिख सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट जो है वो ये है कि ये डायमेंशनल फॉर्मूला है। डायमेंशन क्या है, वो पावर है जिसको ये बेस यूनिट रेज्ड है, ताकि वो हम उसको किसी और क्वालिटी को रिप्रेजेंट करें। इसका मतलब अगर मैं कहूं द डायमेंशन ऑफ लेंथ इन वेलोसिटी इज, तो इसका मतलब द पावर टू विच लेंथ इज रेज्ड, सो दैट इज 1। इसका मतलब अगर मैं इधर लिखूं The dimension of length in velocity is what? So is 1. Why? Because the power to which length is raised in the formula for velocity is 1. The power, it may be positive, it may be negative, raised to base quantities, yeah, units, which gives us the unit of the derived quantity, is called what? Dimension.
द पावर टू विच द बेस क्वांटिटी इज रेज्ड इन ऑर्डर टू रिप्रेजेंट अ डिराइव्ड क्वांटिटी. तो क्या ये एल बेस क्वांटिटी नहीं है? क्या एक एल और टी का कॉम्बिनेशन एल टी इन वर्स डिराइव्ड क्वांटिटी नहीं है? तो ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला. सिमिलरली अगर आप सवाल पूछे द डायमेंशन ऑफ टाइम इन एक्सेलरेशन इज, तो आप क्या कहेंगे जी? माइनस टू कहेंगे. ठीक है, बिल्कुल ठीक है. अच्छा, ये अभी मैं जरा आपको एग्जांपल्स करवाता हूं. तो इसके साथ आप m0 भी लिख सकते हैं. ठीक है, अभी मैं आपको इधर बताता हूं. चलिए फोर्स लिखे, फोर्स का जरा लिखे क्या होता है. अच्छा, इसको इस तरह करें. फोर्स एम ए होता है कि नहीं होता? बिल्कुल होता है. तो सबसे पहले तो देखिए फोर्स, इसको स्क्वायर ब्रैकेट्स में बंद कर दीजिए, एम ए. अब देखिए एम क्या होता है, किलोग्राम होता है कि नहीं होता? बिल्कुल होता है. एक्सेलरेशन क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है कि नहीं होता? बिल्कुल होता है. अब देखिए किलोग्राम ठीक है, मीटर भी ऊपर है ठीक है, सेकंड स्क्वायर इसको मैं ऊपर लेके आता हूँ तो एस टू द पावर नेगेटिव टू होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा. अब देखिए किलोग्राम क्या मास नहीं है, एम है, बिल्कुल है. मीटर क्या है, लेंथ है, एल है. और सेकंड क्या है, टाइम है, टी टू द पावर नेगेटिव टू. एम एल टी टू द पावर नेगेटिव टू, ये फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला है जिसमें मास की डायमेंशन वन, लेंथ की डायमेंशन वन, टी की डायमेंशन नेगेटिव टू. अच्छा, फोर्स हो गया. अब मैं इधर से करता जाऊंगा, ठीक है जी. अच्छा, अब फोर्स चाहे जो भी फोर्स हो, आपके जहन में जो भी फोर्स आता है, एफ इज इक्वल टू एम ए से आता है, सेंट्रिपेटल फोर्स वी स्क्वायर्ड बाय एम वी स्क्वायर्ड बाय आर से आता है, कोलंबिक फोर्स के क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वायर होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स जी एम वन एम टू बाय आर स्क्वायर होता है, जो भी फोर्स होगा, उसका डायमेंशन यही होगा, जो भी फोर्स होगा. ठीक है, अच्छा एनी फोर्स. अच्छा, इसमें मैं लिख देता हूं एनी फोर्स. एक कंफ्यूजिंग पॉइंट इसमें होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ. तो वो फोर्स नहीं है जी, वो एक पोटेंशियल डिफरेंस है, वो हम सेकेंड ईयर में फिर पढ़ेंगे. ये फोर्स का हो गया. वर्क, वर्क क्या होता है, इधर मैं लिख सकता हूं ना, वर्क, वर्क होता है डब्ल्यू विच इज इक्वल टू द फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. तो फोर्स तो आपको खैर डायरेक्टली पता भी है, लेकिन चले फिर भी अगर आप लिखते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर्ड इनटू व्हाट, इनटू अनदर मीटर. तो देखे किलोग्राम मीटर स्क्वायर्ड और फिर पर सेकंड स्क्वायर्ड. तो देखे किलोग्राम क्या मास नहीं है, मीटर स्क्वायर्ड क्या एल टू द पावर टू नहीं है, टाइम टू द पावर नेगेटिव टू नहीं होगा? बिल्कुल होगा. तो ये वर्क के लिए है, या फिर ये एनर्जी के लिए भी है, एनर्जी और वर्क, ठीक है ना, एनर्जी के लिए भी है और ये टॉर्क के लिए भी है. क्या टॉर्क का यूनिट भी न्यूटन मीटर नहीं होता? तो वर्क, एनर्जी और टॉर्क के एक ही डायमेंशनल फॉर्मूला है, एक ही डायमेंशंस है. अच्छा, अभी अगर मैं आपको कहूं कि एक कांस्टेंट का निकाले, अगर आप एम इज इक्वल टू वो जो आपका फोर्स चले, कोलंबिक फोर्स जो आप लिखते हैं एफ इज इक्वल टू जी टाइम्स एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर, और जी के डायमेंशन में आपसे पूछू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी जो है, तो इसकी वैल्यू तो अक्सर आपको याद होती है 6.67 10 टू पावर नेगेटिव 11 है कि 8.85 10 टू पावर नेगेटिव 14 है, इनमें से एक है, लेकिन यूनिट्स आपको याद नहीं होते. तो आप यूनिट से पे डायरेक्टली नहीं कर सकते, तो आप फिर फॉर्मूला से करते हैं. तो जी आप किस तरह करेंगे, एफ डिवाइड बाई एम वन एम टू इंटू आर स्क्वायर. अच्छा, अब देखिए एफ का आपके पास है कि नहीं, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये फोर्स का हो गया. फिर आर स्क्वायर है, तो आर स्क्वायर का यूनिट क्या होगा, मीटर स्क्वायर, और फिर डिवाइड करें मास है तो फिर किलोग्राम स्क्वायर. अच्छा, तो किलोग्राम एक किलोग्राम के साथ कट जाएगा, इसका मतलब है कि ऊपर रह जाएगा किलो, नीचे एक किलोग्राम रह जाएगा, इसको मैं ऊपर लेके आता हूँ किलोग्राम माइनस वन. ठीक है, मीटर एक मीटर क्यूब हो जाएगा, मीटर क्यूब हो जाएगा, और सेकेंड टू द पावर नेगेटिव टू हो जाएगा. तो इसका मतलब इसका जो डायमेंशन फॉर्मूला है वो एम टू द पावर नेगेटिव वन, लेंथ टू द पावर क्यूब, टाइम टू द पावर नेगेटिव टू है. इस तरह है कि नहीं है? किधर है जी एम एल आर, एक मिनट, ये तो मैंने वो जी का कर दिया. हाँ, जी का सही है, ये जी का सही है, बिल्कुल सही है, ये जी का बिल्कुल सही है.
सिमिलरली आपको मैंने बताया कि EMF जो है वो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है EMF वो एक चेंज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस है, चेंज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस जो कि होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो इसका मतलब अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस का या EMF का डायमेंशनल फार्मूला निकालना चाहता हूँ तो इसके लिए मुझे वर्क का चाहिए, वर्क का मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, क्या होगा एम एल स्क्वेयर्ड टी टू द पावर नेगेटिव टू और इसको डिवाइड करेंगे चार्ज के डायमेंशन से। तो आपको पता है कि करंट क्या होता है, चार्ज पर यूनिट टाइम होता है, तो इसका मतलब चार्ज जो है वो करंट इंटू टाइम है, इसका मतलब इसका डायमेंशन होगा एम्पेयर सेकेंड। तो एम्पेयर और सेकेंड इसका मतलब टी, ठीक हो गया जी, बिल्कुल ठीक हो गया। तो इसका मतलब इसका जो डायमेंशन आ जाएगा वो क्या आ जाएगा एम एल स्क्वेयर्ड टी टू द पावर नेगेटिव टू, एक ऊपर जाएगा नेगेटिव थ्री और एक एम्पेयर भी ऊपर आ जाएगा। तो ये आपका डायमेंशन हो गया ई एम एफ का। अच्छा ये एग्जांपल्स काफी है कि और करवाओ जी, और करते हैं ताकि आपको इसकी समझ आ सके। कोलंबिक फोर्स में जो कांस्टेंट है, कोलंबिक फोर्स में जो कांस्टेंट है एफ ओ यानी कि जो के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वेयर है, तो इसमें से मुझे के की डायमेंशन चाहिए। तो के की डायमेंशन अगर मैं लिखता हूं तो वो होगी एफ डिवाइडेड बाय क्यू वन क्यू टू इंटू आर स्क्वेयर की जो डायमेंशन होगी और वो होगी जी, तो फोर्स की तो आपको पता है ना किधर है एम एल टी टू द पावर नेगेटिव टू, ठीक है एम एल टी टू द पावर नेगेटिव टू ये फोर्स की हो गई। फिर आर स्क्वेयर के लिए एल स्क्वेयर हो जाएगा और क्यू वन क्यू के लिए हमने फाइंड किया एम्पेयर सेकेंड और दूसरे के लिए भी फिर एम्पेयर सेकेंड, तो एम्पेयर इंटू टाइम कर लेंगे, एम्पेयर इंटू टाइम कर लेंगे। अब देखें ऊपर रह गया एम एल क्यूब टी टू द पावर नेगेटिव टू, नीचे रह जाएगा ए स्क्वायर टी स्क्वायर, ठीक हो गया जी, बिल्कुल ठीक हो गया। अब इसका डायमेंशन हमारे पास आ जाएगा एम एल क्यूब और फिर टी टू द पावर नेगेटिव टू और फिर नेगेटिव टू ये भी ऊपर जाएगा तो टी नेगेटिव फोर आ जाएगा और एम्पेयर का नेगेटिव टू, ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। अगर मैं कहूँ व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ मास इन द कोलंबिक फोर्स कॉन्स्टेंट, सो दैट इज वन and the dimensional formula is that. तो बाज़ औक़ात आपको generally पूछता है what is the dimension of k, तो आप dimension of k को भी ये लिख सकते हैं, लेकिन basically ये dimensional formula है, dimension वो individual का power होता है, ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया। अगर आपने चेक करना हो, चेक आपने किस तरह करना होगा, अगर आप कहते हैं क्या मैंने ये ठीक निकाला है कि नहीं निकाला, तो आप इसको चेक भी कर सकते हैं, किस तरह अभी देखे ना चेक, तो चेक मैं इस तरह करता हूं एफ की डायमेंशन आपको पता है कि नहीं, लेफ्ट और राइट की डायमेंशन सेम आनी चाहिए, तो एम एल टी पावर नेगेटिव टू, ठीक है ये इधर से भी आना चाहिए, तो के की डायमेंशन है एम एल क्यूब टी नेगेटिव फोर एम्पेयर नेगेटिव टू, और क्यू वन की डायमेंशन होगी एम्पेयर टाइम, Q2 की होगी एम्पेयर टाइम और डिवाइड बाय आर स्क्वायर है एल स्क्वायर हो जाएगा, तो एल पावर माइनस टू में लिख लूंगा, ठीक है। अब इधर आ जाइए, अब इधर आ जाइए, देखते जाए एम एक हो गया एम, फिर दूसरा एम नहीं है, अब एल को देखें, एल है क्यूब फिर माइनस टू, तो एल वन रह जाएगा, रह गया कि नहीं रह गया, एम वन रह गया एल वन रह गया, टी को देखे माइनस फोर है बिल्कुल है और फिर टी एक और फिर टी टू, सो टी टू, सो टी माइनस टू रह गया, और एम्पेयर देखे माइनस टू है फिर प्लस वन माइनस टू प्लस टू एम्पेयर टू द पावर जीरो, तो देखे डायमेंशनली हमने करेक्ट फॉर्मूला निकाला था, समझ आई, बिल्कुल आई। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस आपको पता है F इज इक्वल टू वन ओवर फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या होता है Q1 Q2 by R squared होता है ना जी, जी बिल्कुल होता है Q1 Q2 by R squared। अच्छा तो मालूम करें परमिटिविटी का मुझे डायमेंशन चाहिए, तो क्या होगा इधर मैंने तो Q1 Q2 का डायमेंशन डिवाइड बाई F R स्क्वायर का डायमेंशन, अब ये 4 पाई 1 और 4 पाई प्योर नंबर, इसका डायमेंशन नहीं होता, अगली वीडियो में आपको बता देंगे, ठीक है। अब देखिए Q1 A स्क्वायर T स्क्वायर डायरेक्टली लिखता हूँ, A T एक का A T दूसरे का डिवाइडेड बाई M L T टू द पावर नेगेटिव 2 फोर्स का और L टू द पावर 2 R के स्क्वायर का,
तो करें जी, एम्पेयर का स्क्वायर तो एक ही है, फिर टी ऊपर टी टू पावर टू है, इधर भी टी टू है, ऊपर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो इसका मतलब टी पावर फोर आ जाएगा। फिर m एक ही है, m r माइनस वन, ठीक है, और फिर l का क्यूब है, ऊपर जाएगा तो माइनस थ्री हो जाएगा। m भी हो गया, l भी हो गया, t भी हो गया। तो अभी आप कोशिश किया करें कि इसको m l t में लिख कर, यानी m l t, तो m पहले लिख के माइनस वन, l लिख के माइनस थ्री, t लिख के फोर, a लिख के स्क्वायर। ये जरा चेक करें सही है कि नहीं, m माइनस वन, l l का इन्होंने क्या लिखा हुआ है, एक मिनट, m माइनस वन, l माइनस थ्री, t पावर फोर, a स्क्वायर, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। कोई और एग्जांपल चाहिए, चलिए लिख के पी वी इज इक्वल टू एन आर टी लिख के था, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ी है ना फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में, पी प्रेशर है, वी वॉल्यूम है, एन नंबर ऑफ मोल्स है, आर आइडियल गैस कॉन्स्टेंट है, टी टेम्परेचर है, इसी कॉन्स्टेंट की मैं जरा निकालता हूँ डायमेंशन, तो आर वुड बी इक्वल टू प्रेशर वॉल्यूम डिवाइडेड बाई क्या, डिवाइडेड बाई एन और टी, होगा कि नहीं होगा इस तरह, बिल्कुल होगा। अच्छा P क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया होता है कि नहीं, तो फोर्स ऊपर लिखता हूँ, एरिया नीचे लिखता हूँ, वॉल्यूम का डायमेंशन क्या होता है, वॉल्यूम तो L क्यूब होगा, ठीक है, और फिर N और T, इस तरह सही है कि नहीं है, बिल्कुल। फोर्स का अब आपको पता है एम एल टी पावर नेगेटिव टू है, वॉल्यूम है तो L का क्यूब होगा, और डिवाइड करेंगे एरिया का, L का स्क्वायर होगा, N नंबर ऑफ मोल्स N है, और टेम्परेचर का थीटा है। बस सिंप्लीफाई करें, एम L, T और थीटा पे डिपेंडेंट है, क्या आएगा जी, तो चले करते हैं, M ओनली वन है, M टू द पावर वन, L चार ऊपर है दो नीचे, ऊपर जाएगा तो प्लस छ, M वन L पावर सिक्स, T देके माइनस टू ओनली, और फिर थीटा जो है वो माइनस वन, और सिमिलरली N भी है, N भी माइनस वन हो जाएगा। चेक करता हूं जी, M वन L टू, L तो मैंने सिक्स लिखा है यार, अच्छा एक गलती मैंने की है ना, देखे L L चार है और ये दो, चार माइनस दो तो दो आते हैं ना, थ्री प्लस वन फोर और माइनस टू तो टू, M वन L टू, बिल्कुल, T माइनस टू थीटा माइनस वन और N माइनस वन, बिल्कुल सही है। और एग्जांपल चाहिए कि नहीं, बस कर दे है, बोले ना आप बोले, अगर आपको और चाहिए हो तो मैं आपको करवा देता हूँ, आपको मैं पढ़ा देता हूँ ना, चाहिए तो नहीं बस, और नहीं यार बस करते। डेंसिटी क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है कि नहीं होता, तो डेंसिटी का फॉर्मूला आपको याद है जी, क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है कि नहीं होता, बिल्कुल होता है। तो देखे मास के लिए डायमेंशन एल हो जाएगा और वॉल्यूम नहीं, मास के लिए सॉरी, मास के लिए एम हो जाएगा और एल क्यूब है, नीचे है तो ऊपर आएगा तो माइनस थ्री, ठीक होगा जी, बिल्कुल ठीक होगा, समझ आई। तो मेरे ख्याल में ये काफी है जी, एंड ऑफ डिस्कशन हो गया। डायमेंशन क्या होता है जी, द पावर टू विच द बेस क्वांटिटी इज रेज्ड टू गिव अस द डिराइव्ड क्वांटिटी, यानी इसमें एल मैंने रेज किया पावर माइनस थ्री को कि मुझे डेंसिटी दे, तो इसका मतलब इसमें लेंथ की डायमेंशन माइनस थ्री है, एम की डायमेंशन वन है। एक पॉइंट जो मैं इधर एक्सप्लेन करना चाह रहा था, जो कि जनरली स्किप कर दिया जाता है, डायमेंशन वर्सेज डायमेंशनल फॉर्मूला, तो उमूमन ये एक दूसरे में कंफ्यूज कर दिए जाते हैं, यानी अगर आपसे कोई जनरली कहता है डायमेंशन ऑफ डेंसिटी क्या है तो आप कहते हैं एम एल टू द पावर नेगेटिव थ्री, लेकिन बेसिकली ये डायमेंशनल फार्मूला है इसका। अगर मैं आपसे पूछूं डायमेंशनल फार्मूला ऑफ डेंसिटी तो आपको कहना चाहिए एम एल टू द पावर माइनस थ्री। अगर मैं आपसे पूछूं डायमेंशन क्या है डेंसिटी का तो आपसे जनरली ये कहते हैं डायमेंशन ऑफ डेंसिटी, तो आप कहते हैं एम एल टू द पावर माइनस थ्री, लेकिन डेफिनेशन के मुताबिक क्या होता है, आपको पूछना चाहिए द डायमेंशन ऑफ मास इन डेंसिटी क्या है, तो वो बेसिकली वो पावर जो मास का है डेंसिटी के फॉर्मूले में वो वन है, तो ये मास का डायमेंशन है। उमूमन ये नहीं किया जाता जी, आप डायरेक्टली कहते हैं डायमेंशन ऑफ डेंसिटी क्या है, आप कहते हैं एम एल टू द पावर माइनस थ्री, लेकिन बेसिकली आपको कॉन्सेप्ट आपके जहन में ये होना चाहिए, ठीक है। हमने डायमेंशन पढ़ा, डायमेंशन क्या होता है, हमें नेचर के बारे में बताता है, लेंथ है तो वो लेंथ ही है, वो चाहे जितना भी है, ठीक है, टाइम है जितना भी है, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल है तो क्या वो
लेंथ इनटू विड्थ नहीं होता, बिल्कुल होता है। तो क्या ये दो लेंथ पर डिपेंड नहीं कर रहा, एल स्क्वेड इसकी डायमेंशन, ठीक है। एरिया ऑफ अ सर्कल पाई आर स्क्वेड है कि नहीं है, तो क्या ये अगेन पाई डायमेंशनल से आपको बताएंगे, आर स्क्वेड अगेन एक लेंथ स्क्वेड है कि नहीं है, बिल्कुल है। रेक्टेंगल का पाई हाफ ऑफ बेस इनटू हाइपोटेन्यूज होता है, क्या होता है, परपेंडिकुलर, हाफ नहीं है जी, बेस और परपेंडिकुलर दो लेंथ है कि नहीं है, एल टू द पावर टू पे डिपेंडेंट है कि नहीं है, बिल्कुल है। सिमिलरली स्फीयर का 4 पाई आई स्क्वायर होता है कि क्या होता है, जो भी होता है लेकिन आर स्क्वायर पे ही डिपेंडेंट है। इसका मतलब ये जो भी एरिया होगा उसका डायमेंशनल एल स्क्वायर ही होगा। जिस तरह मैंने आपको बताया जो भी फोर्स है, जो भी वर्क है, उसका डायमेंशन यही है। जो भी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल या जब जो भी है यार, उस एनर्जी की डायमेंशन ये होगी और जो एरिया होगा उसकी डायमेंशन ये होगी। आप डायमेंशनल फार्मूला समझ गए, इतने एग्जांपल्स अंडरस्टैंडिंग के लिए काफ़ी थे। आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में जहाँ मजीद इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। अभी मैंने क्लास के लिए जाना है, मुझे लेट हो रही है, ठीक है। तो आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है जी। अल्लाह हाफिज़।